नमस्ते टू आर फ्यूचर टीचर्स। कैसे आप सब? बढ़िया, खुश, हेल्दी। यहाँ पर जो आपके लिए टेस्ट सीरीज में लेकर आई हूँ, वो टेस्ट पेपर आप थर्ड होगा। ये सिर्फ स्पेशली टीजीटी एग्ज़ाम के लिए हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है या अदर ऑथर्स के जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपके लिए जो वो अदर एग्ज़ाम या पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट वो कहीं ना कहीं है, लेकिन स्पेशली टीजीटी की ये जो सीरीज़ है प्रैक्टिस इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर की प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगी। टीजीटी का एग्ज़ाम जो है एक सिंपल सा, एक बहुत आसान सा एग्ज़ाम है, लेकिन तब जो है कंपटीशन उतना ही हार्ड है, क्योंकि टीजीटी को जो फिल करने वाले होते हैं फॉर्म को, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन इसमें नहीं चाहिए होती है, तो हर कोई इसको कहीं ना कहीं फिल करता है। वहीं पर इसीलिए कंपटीशन जो है इसका, वो आपके लिए हार्ड हो जाता है। अदरवाइज जो क्वेश्चन आपको वहाँ एग्ज़ाम में मिलेंगे, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पढ़े हुए होंगे, लर्न किए हुए होंगे, आपके देखे हुए होंगे, समझे हुए होंगे। अगर आपने बिल्कुल ही इंतज़ार में बैठे हैं कि अभी तो एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, कि हम तो एग्ज़ाम से पहले ही तैयारी करेंगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके लिए फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते अगर एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ होती है। हाँ, आपका IQ इतना अच्छा है कि आप रातों रात पढ़ कर दे सकते हैं एग्ज़ाम, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ एग्ज़ाम के इस डेट का, जो एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार में नहीं बैठेंगे आप बिल्कुल भी, अपनी तैयारी आज के आज जो कंप्लीट रखेंगे। इस जो टेस्ट पेपर में थर्ड में भी है, जो मैं सारे टेस्ट पेपर करा रही हूँ, ये नोटेबल सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप स्किप करें। सारे क्वेश्चन 100% आने वाले क्वेश्चन में से हैं। मैं जब एग्ज़ाम पेपर मैंने सेट किया, मैं बनाती हूँ, जैसे 12th के लिए बनाया मैंने, तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन आते किस तरह से। यही क्वेश्चन आते हैं, ये एक्सपीरियंस बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं और सब कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू TGT के एग्ज़ाम के लिए। तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, सही से लर्न करेंगे। आज के आज ही जितने क्वेश्चन हैं सारे रट लेंगे, लर्न कर लेंगे बिल्कुल पक्के वाले, कि बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है कि लाइफ टाइम परफेक्ट पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर इस तरह से भी आप तैयारी करके चलेंगे तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो है पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम अभी होने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके लिए विलियम शेक्सपियर के प्लेस से, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड यहाँ पर है। और मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि विलियम शेक्सपियर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास, 20 से ऊपर भी बन जाते हैं, 27, 28, 30 तक बन जाते हैं क्वेश्चन, सिर्फ इन्हीं के ऊपर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत अच्छे से मेहनत इन ऑथर के ऊपर आपको करनी होगी। पहला ही क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट प्ले द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर प्ले, जो बेस्ट प्ले माना जाता है टेम्पेस्ट, तो शेक्सपियर के लास्ट प्लेज में से एक है ये। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट, विलियम शेक्सपियर ने किस इंसिडेंट, किस घटना से प्रभावित होकर, इंस्पायर होकर ये जो प्ले लिखा था। तो अगर सीधा सा हिंदी में मतलब निकाले तो टेम्पेस्ट का मीनिंग होता है तूफान, तूफान इसका मीनिंग होता है। तो जाहिर सी बात है तूफान से रिलेटेड यहाँ पर इसकी स्टोरी फिर बनती है, क्योंकि टेम्पेस्ट जो प्ले है इसमें भी तूफान से लौटने वाले सैनिक जो है लौटे हैं, बचकर निकल कर आए, इस तरह की स्टोरी टेम्पेस्ट की चलती है। उसी को बेस मानकर, उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने स्टोरी लिखी। तो ये जो रियल स्टोरी थी 24 जुलाई 1609, ये डेट भी कहीं ना कहीं आपको लर्न होनी चाहिए, जो 24 जुलाई को 1609 ये जो डेट है, बरमूडा ट्रायंगल के आसपास की घटना होती है, जैसे शिप्स जाते हैं सामान वगैरह की आपूर्ति करने के लिए, तो हरिकेन एक वर्ड आता है, हरिकेन अपनी ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा, उससे रिलेटेड भी माना जाता है टेम्पेस्ट, तूफान को बोल दिया जाता है कि तूफान आया था, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए थे, शिप के शिप जो हैं डूब गए थे। उसी बेस पर इन्होंने जो स्टोरी अपनी लिखी है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि जो रिटर्न था सेलर, जो शिप तो डिसअपीयर हो गया था लेकिन जो सेलर्स लौटे थे, बचे थे, उनके बारे में स्टोरी ये लिखी है। तो क्वेश्चन का आंसर उस बेस पर क्या होगा, रिटर्न। आपके सामने इसी तरह के ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर एक सिंकिंग ऑफ ए शिप भी आ सकता है कि जहाँ डूब गया, डूबना नहीं है, इन्होंने जो रिटर्न हुए थे सेलर्स उसके अकॉर्डिंग ये स्टोरी लिखी है, रिटर्न ऑफ द सेलर्स।
ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड। इन्होंने रिटर्न पे लिखा था सेलर जो बच गए थे। और टेम्पेस्ट की स्टोरी आपकी पढ़ी हुई होगी, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आसानी से कम एक दो क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं इसके ऊपर ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी कहीं ना कहीं आप सब जानते होंगे, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं नाम सुना हुआ सभी का ये है। रोमियो एंड जूलियट ने स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्थ। ये एक idiom है, माई लाइफ इज़ माई फोर्स, जो मेरी लाइफ है। फोर्स क्या होता है? शत्रु के लिए, दुश्मन के लिए। तो डेप्थ क्या होता है? ऋण। मेरी जो लाइफ है वो शत्रु का एक तरह से ऋण इन्होंने बताया है। अब यहाँ पर जो रोमियो है ये बात कहता है जूलियट से के लिए, क्योंकि जूलियट जो है उसके एनिमी की, सबसे बड़े एनिमी की डॉटर है, तो वो उसी बेस पर इसको जो कहता है कि सबसे मतलब मेरी एनिमी की फैमिली के एनिमी है और उसी की डॉटर है, उसी से वो लव करता है, तो कहीं ना कहीं फोर्स डेप्थ उसको वो मानता है। तो आंसर जो आपके पास इसके जो एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे ऑब्जेक्टिव, वो एक तरह से एक दो लाइन के आएंगे, थोड़े बड़े से आएंगे, तो वहीं आपको समझना होगा कि मीनिंग अगर आपको इसका पता है तो फिर दो तीन लाइनों में भी आपको आंसर दे दिया जाए, आप इजीली पहचान लेंगे। क्योंकि इसका आंसर जो है एक डेढ़ लाइन में या दो लाइन में, या फिर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से इसको देता है। तो अगर इस लाइन की मतलब आपको पता है तो आप फिर आप समझ सकते हैं कि फोर्स डेप्थ क्या है कि एनिमी भी, वो बोलते हैं एनिमी शत्रु, एनिमी को डेप्थ होता है ऋण उसका, तो एनिमी से रिलेटेड लाइन जो आगी स्पेशली आपके सामने वो उसका आंसर आपका होगी। तो यहाँ पर जो वो ऑप्शन में आपके मिलेगा दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। इस तरह की लाइन आपके देख ली, मैंने कहा था आपसे कि एक दिन उसकी मीनिंग की लाइन लंबी चौड़ी लाइन आएगी। तो सिंपल सी लाइन है, एनिमी वाला ऑप्शन आपका जो है सही होगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ दिस वाज एन एपिक। इन सब में से एपिक कौन सा है? वर्ड्सवर्थ का डेफिडल्स है, पैराडाइज लॉस्ट है, किड्स का हाइपरिन है। पैराडाइज लॉस्ट है किसका, ये आप जानते होंगे। तो पैराडाइज वर्ड्सवर्थ की डेफिडल्स जाहिर सी बात है एक पोएम ही है। पैराडाइज लॉस्ट यहाँ पर जो आंसर आता है वो सही है। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है एक एपिक है, एक ग्रंथ की तरह लिखा हुआ है, बिब्लिकल जो बाइबल से रिलेटेड स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी बेस्ड ये पैराडाइज लॉस्ट है। और जिस तरह के होते हैं एपिक क्या होता है, ग्रंथ होता है, हिंदी में ग्रंथ बोलते हैं मुझको, तो पैराडाइज लॉस्ट एक ग्रंथ की तरह माना जाता है, क्योंकि एक माइथोलॉजिकल स्टोरी पर बेस्ड है, जहाँ पर एडम ईव इस तरह के कैरेक्टर दिखाए गए हैं। हमारी हिंदी में बोले, हिंदी संस्कृति में बोले तो श्रद्धा मनुज जो होते हैं, जो श्रद्धा मनुज सबसे पहले जो पृथ्वी पर आए हुए जो एक कपल माना जाता है, वही इंग्लिश में एडम और ईव उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पजेसेस द नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ। कि कौन पजेस करता है, मतलब किसके पास है या किसके अंदर है क्वालिटी है कि वर्ड्सवर्थ की तरह नेचुरल सिंप्लिसिटी उसके अंदर है। कौन सा ऑथर ऐसा है? द फैंटेसी ऑफ कॉलरिज, फैंटेसी की तरह, कॉलरिज की तरह फैंटेसी उसके में है, कल्पनाशीलता, एक अच्छा सा सेटअप तैयार करना, माइंड में इस तरह से सेट कर देना कि जैसे कि सामने ही चीज़ें घट रही हूँ। द मेलेडी ऑफ किड्स, किड्स की जो मेलेडी है पोएम्स की उनकी वो, एंड किड्स एंड शैली दोनों की, किड्स एंड शैली दोनों ही एक साथ के कंटेम्प्रेरी थे दोनों ही। द नैरेटिव वेगर ऑफ स्कॉट, स्कॉट का जो नैरेटिव करने का ढंग है, ये क्वालिटी सब सारी क्वालिटी किस एक ऑथर्स में है? तो ये जो आंसर आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो अदर ऑथर्स का मिलेगा। अदर ऑथर मीन्स ये जो क्वालिटी है ये एल्फ्रेड टेनिसन की है, एल्फ्रेड टेनिसन की ये क्वालिटी है। सारी क्वालिटी जो सबकी, वर्ड्सवर्थ, गेट्स, शैली, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ की सबकी क्वालिटी किसमें, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के वर्क में आपको मिलेगी। वहाँ नेचुरल भी मिलेगा, वहाँ फैंटेसी भी मिलेगी, मेलोडी भी मिलेगा, सब कुछ एल्फ्रेड टेनिसन के वर्क्स में मिलेगा आपको।
इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर स्केर्सली एनी दिस रिमार्क्स हैज बीन मेड बाय मिल्टन के लिए. इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर, ये लाइन जो है किसने कही है? तो ये जो लाइन जॉन मिल्टन के लिए कही है, ये कही है मैथ्यू अर्नोल्ड ने. अर्नोल्ड टच स्टोन मेथड का एक क्वेश्चन आपके ऊपर आता है, ये भी इन्हीं का ही है. इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, आगे भी आएगा आपके सामने ये. तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉन मिल्टन के लिए लाइन कही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियाड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, जो इलियाड है जो सबसे पहले इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया? इलियाड होता क्या है, ये ग्रीक पोएम होती है, एंशियंट ग्रीक टाइम की जो पोएम्स थी वो ये है. और इसको जो सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया था वो पॉप के द्वारा किया गया था. पॉप नाम आपका सुना हुआ जरूर होगा. इस सोनेट कंसिस्ट, एक सिंपल सा क्वेश्चन, रटा हुआ क्वेश्चन होगा, 14 लाइन्स यहाँ पर होती है सोनेट में, 14 लाइन्स होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स. कैशियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज. कैशियस जो है ये ब्रूटस का, यहाँ पर जूलियस सीजर प्ले की बात चल रही है, तो जूलियस सीजर का ये ब्रदर इन लॉ, सॉरी ब्रूटस का ये ब्रदर इन लॉ है. और यहाँ पर जो है वो जो जूलियस सीजर की तरक्की से उसके जो वो अच्छा काम कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उससे जेलसी होकर कहीं ना कहीं ब्रूटस को जो है भड़काने वाला बात ये लाइन उसने कही थी कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स. की नसीब की बात नहीं है जो गलती है उस, जैसे सीजर आगे बढ़ रहा है तो स्टार्स के नसीब की गलती नहीं, वो हमारी गलती है कि हम उसे बढ़ने आगे दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे. और तभी वो प्लानिंग फिर चलती है सीजर को मारने की. तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, तो कैशियस जो कहता है ये रिमार्क होता है जूलियस सीजर से जेलिस होने के कारण ये कहता है. तो जो आंसर आपको कुछ एग्ज़ाम में मिलेगा, ही वाज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वांटेड टू इंसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर. आंसर आपका अच्छा खासा लंबा चौड़ा मिल जाएगा आपको एग्जाम में, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेट द स्टाइल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज. मॉडर्न इंग्लिश जो प्रोज है, जो आधुनिक युग की जो प्रोज मानी जाती है, गद्य माना जाता है, वो किसने सेट किया था, इस स्टाइल को किसने सेट किया था? तो एक ऑथर हुए हैं जोनाथन स्विफ्ट. सिर्फ स्विफ्ट भी आपके सामने नाम हो सकता है. इन्होंने जो हाई क्वालिटी की जो वर्ड्स लिखी थी अपने पूरे कैरेक्टर थ्रूआउट करियर में, इन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी की जो वर्स लिखी, वर्क लिखा, एक प्रोज को एक नई दिशा प्रदान की, और बहुत जो है आज भी इस चीज़ को एडमायर किया जाता है. द राइटर ऑफ कोरियोलिस, जो कोरियोलिस है इसके राइटर कौन है? एक नाम, ऑथर का नाम जो आपका सुना हुआ है, लेकिन ये नाम आपने जल्दी से नहीं सुना. और जब मैंने आपको पीछे जब वीडियो डालती थी तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है. कोरियोलिस किसका वर्क है, कौन इसके ऑथर है? तो नाम आपका सुना हुआ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तैयारी नहीं हो सकती पूरी. विलियम शेक्सपियर जो हैं कोरियोलिस के राइटर ऑथर हैं. ये जो इनका वर्क है, ये जो माना जाता है 1605 से 1608 के बीच में लिखा हुआ माना जाता है. ये एक बेस्ट रोमन लीडर थे कैस मार्कस कोरियोलिस. उनकी जो स्टोरी, उनकी लाइफ, उन पर बेस्ड ये प्ले इनका विलियम शेक्सपियर का है.
पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, कितनी बुक पैराडाइज लॉस्ट में है? तो कहाँ पर 12 बुक्स पैराडाइज लॉस्ट में है। और एक चीज़ मैं बार बार आपसे बताती हूँ कि ज़्यादातर तो यही क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स, सीधा सा सीधा। लेकिन बाय चांसली ओरिजिनली अगर आपके सामने वर्ड जुड़ जाता है तो ओरिजिनली जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक है वो 10 है, फिर 12 आंसर आपका नहीं होगा। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, बहुत आसान सा क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर के ऊपर। विलियम शेक्सपियर को जो ओपन करेंगे, पढ़ना शुरू होंगे तो सबसे ऊपर यही क्वेश्चन इनका आ जाता है कि इनका जन्म मृत्यु कब हुई। तो एक किसी सेट में अभी तक शायद आया नहीं आया, डेथ तो आ चुकी लेकिन बर्थ कब हुआ था? तो बर्थ 23 अप्रैल, और डेथ डे भी इनका यही है 23 अप्रैल ही है, पर बस सन तो चेंज हो नहीं थे। 1564 को इनका जो है जन्म हुआ था। अदर ऑथर से क्वेश्चन, गीतांजलि इन इंग्लिश वॉज पब्लिश्ड इन। गीतांजलि जो बंगाली पोएट हैं सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की है, इनका 1910 में पब्लिश, और इसके लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो ये पब्लिश कब हुई थी, किस सन में पब्लिश हुई? तो ये 1912 को पब्लिश हुई थी। 1912 को जो हुई थी वो इंग्लिश में है, यहाँ इंग्लिश वर्ड भी जुड़ा हुआ है तो 1912 की है बात फिर, अदरवाइज 1910 का ये जो है 1910 में पब्लिश हुई थी। और इंग्लिश, जाहिर सी बात है इंग्लिश के ऊपर ही, इनको जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी उसके ऊपर ही नोबेल प्राइज़ को मिला था। हु क्वेटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के बारे में ये लाइनें किसने कही है? द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी, प्लॉट को सोल माना जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल माना गया, एंड कैरेक्टर होल्ड द सेकेंड प्लेस, कैरेक्टर को जो है, और कैरेक्टर जो है और अदर चीज़ें उनको सेकेंड प्लेस में रखा गया है। तो ट्रेजेडी का वैसे भी एक क्वेश्चन सिंपल से सिंपल भी आ जाता है कि ट्रेजेडी का जो है मेन पार्ट क्या होता है, प्लॉट माना गया, प्लॉट को वरीयता दी गई है। ये लाइन फिर कही किसने है, यहाँ पर पूछा गया कि लाइन कही किसने। तो एक नाम आपने सुना होगा अरिस्टो, स्पेलिंग क्या आती है अरिस्टो टल बोलते, लेकिन ये अरस्तु है, अरस्तु ने ये लाइनें कही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, बहुत ही फेमस लाइन यहाँ पर ये है, आपकी पढ़ी हुई जरूर होंगी कि अगर आप टीजीटी की तैयारी सही से कर रहे हैं तो। कवास डाई में जो कायर होते हैं वो कई बार जो है मृत्यु से पहले ही मर जाते हैं, तो बहुत ही फेमस लाइन ये कही गई है एक्ट 2 यहाँ पर, जबकि ये पूछा गया दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं? तो सीधे सीधे इसका आंसर ही मैं दे दूँ तो ये जूलियस सीजर की लाइन है, जूलियस सीजर की लाइन है एक्ट 2, ठीक है, और सीन भी 2 ही में, ये जो जूलियस सीजर ने ही ये लाइन कही है। जूलियस सीजर हमने जब 12th में पढ़ा था तो उस टाइम के जो टीचर्स ऐसे होते थे कि वो एक एक लाइन, जो हमने सबसे पहले जो जूलियस सीजर ही प्ले पढ़ा था वही आता है, यूपी बोर्ड में से किया था, तो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें एक एक वर्ड की हिंदी समझाई, एक एक वर्ड हमें समझाया था, इतने से अच्छे से समझाया था कि वो स्टोरी पूरी जैसे सामने आ जाती है, बिल्कुल सामने ही हो रहा होता। उस टाइम के टीचर्स की स्पेशलिटी कहीं ना कहीं ये थी कि एक एक वर्ड को समझाना, आजकल वो चीज़ नहीं मिलती है, और इसे ही कहीं ना कहीं जो एजुकेशन वीक होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नोल्ड सेज विद हिम इज बॉर्न अवर रियल पोएट्री, द वर्ड हिम रिफर टू, अर्नोल्ड ने कहा है कि विद हिम उसके साथ इज बॉर्न अवर रियल पोएट्री, इसके साथ ही हमारी जो रियल पोएट्री है का जन्म हुआ है। द वर्ल्ड हिम, ये हिम जो है मतलब किसके लिए, ये जो वर्ड कह रहे हैं अर्नोल्ड, ये जो लाइन कही है किसके लिए कही है? यहाँ आपके आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मिल्टन के लिए, वर्ड वर्ड्स वर्ड्स वर्थ के लिए, शेक्सपियर के लिए, नन ऑफ दीज के लिए। अब पोइट्री शब्द आ रहा है तो विलियम वर्ड्स वर्थ से इसको कनेक्ट प्लीज़ ना करिएगा कि पोइट्री है तो वर्ड्स वर्थ ने अच्छी लिखी होगी, नहीं, ये जो लाइन है इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि अर्नोल्ड ने जो लाइन कही इसका आंसर जो होगा वो चौसर के लिए कही है, चौसर के लिए ये लाइन कही है गई है, इसके अकॉर्डिंग आंसर नन ऑफ दीज और रियल आंसर चौसर के लिए अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये लाइन कही है।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, द पोइट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स के ऑथर कौन है? तो ये तो आप आंख बंद कर भी करके भी टिक कर दोगे कि डैफोडिल्स जो है वो वर्ड्सवर्थ की, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। हु स्टैंड ही फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। मार्वल नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, सीधी से सेम मार्वल वाला भी है कि ही फाउंड इंग्लिश एंड डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए मार्वल, नहीं यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ है। वर्ड को ध्यान से देखेंगे कि किसने ये लाइन कही है। हु स्टेट ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। लैंग्वेज वर्ड से आपको करेक्ट जो है ध्यान देना होगा, लैंग्वेज है मार्वल नहीं है। मार्वल वाला भी क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट जो सीरीजेज आएंगी उनमें आते चले जाएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हैं। नाउ आंसर क्या होगा इस, ये जो लाइन कही है लिविंग स्टोन, लिविंग स्टोन लॉयज ज़्यादातर इनका यही नाम आता है, ने किसके लिए कही है? चौसर के लिए लाइन कही है। चौसर कैंटरबरी टेल्स आपने ज़रूर नाम सुना होगा, चौफर गोफरी चौसर का भी नाम आपका सुना हुआ होगा। कैंटरबरी टेल्स के ये ऑथर है और बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क भी है, ऑथर भी है। एक पूरा एरा इनको जो है दिया गया है, एक एरा पूरे इनके नाम से जाना जाता है। मैकबेथ सीज द घोस्ट, मैकबेथ प्ले में मैकबेथ जो है किसका भूत देखता है? तो बहुत आने वाले सारे क्वेश्चन, बैंको का भूत जो है वो देखता है, उसका घोस्ट वो देखता है। मैकबेथ एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, जो 1623 में पब्लिश मानी जाती है। 1623 का जो उनका फोलियो है, फर्स्ट फोलियो, उसमें पब्लिश थी। तो यहाँ पर घोस्ट किसका देखता है? बैंको का। हु स्टेट दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए लाइनें किसने कही है? सारे क्वेश्चन शेक्सपियर के ज़्यादातर आए हैं इस वाली जो टेस्ट पेपर है इसमें भी। सोल ऑफ द एज द अप्लॉज द डिलाइट द वंडर ऑफ अवर स्टेज, ये लाइनें विलियम शेक्सपियर के लिए किसने कही है? तो इनके एक एडमायरर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी रहे, इनके फ्रेंड रहे हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने इनके लिए ये लाइन कही है, बहुत बड़े एडमायरर इनके। और ज़्यादातर कोटेशन, ज़्यादातर लाइनें इन्होंने ही विलियम शेक्सपियर की जो तारीफ़ में कही हैं। यहाँ तक आपके जो क्वेश्चंस हो जाते हैं ये इंपॉर्टेंट सारे, इनको आज के आज ही जो आप लर्न करेंगे, पक्का करेंगे बिल्कुल ही, जो आगे आपको ज़रूरत ही ना पड़े। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।